अभी ना मैं जा रहा हूँ मंदिर मंदिर में पानी चढ़ाने पे सुबह सुबह नहा धो के मंदिर जाना चाहिए, तो जो भी अपने दुष्कर्म होते हैं उनके मुक्ति मिल जाएगी। बाकी तो ये तो बातचीत अलग हुई। तो यार आज ना मेरी गाड़ी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, मेरी गाड़ी को सिर्फ 1 से 1.5 साल हुआ है लिए हुए, और इसमें ना इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। आपके कॉन्टेक्ट में कोई गाड़ी वाला हो ना, यार फ्रेंड दोस्त हो या कोई रिलेशन में कोई भी हो तो मेरे को बताना, मैं भाई पहुंच जाऊँ, बट यार पैसे थोड़े कम करवा देना, इसलिए मैं इतना रहा हूँ। तो बाकी चलो अभी मैं मंदिर जाया था, फिर आपको मैं गाड़ी की सिचुएशन दिखाता हूँ, गाड़ी की कैसे क्या हालत हो रही है, 1.5 साल पुरानी की इतनी गंदी हालत हो रखी है। चलो चलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं आपको दिखाने, पूजा पाठ वगैरह कर रहा हूँ, तो आके 2-2.5 घंटे हो गए। मैंने अपने पिछले दिन बनाया क्योंकि मुझे भूख लगी पड़ी थी, मैंने सोचा खाना खा लूँ। तो अभी डेली के बर्तन भी पड़े हैं अभी, तो मैं सबसे पहले बर्तन धो देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं गाड़ी दिखाता हूँ गाड़ी की सिचुएशन क्या है। तो वो कोई नोट में तो मेरे को जरूर बताना है यार, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, कमेंट में कर देना, कमेंट तो मैं सबके पढ़ता ही हूँ, इंस्टाग्राम तो वो डीएम आते रहते तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, पढ़ना पाऊंगा तो कमेंट जरूर कर देना इस चीज़ के लिए। चलो अभी पहले बर्तन धो के सीधा गाड़ी पे चलो। गाइस जैसे कि मैं आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी के बर्तन, बर्तन सब मैं धोया हूँ, देन अभी चल रहे नीचे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी कैसे कैसी हालत हो रखी है गाड़ी की। चलो वो खड़ी है, नजदीक से दिखाता हूँ एकदम कैसे क्या हो रखा है। ये देखो सबसे पहले ना एक बाइक वाले ने टक्कर मारी थी इसमें, बट मुझे दिखा नहीं उस टाइम, वरना साले से पैसे निकलवाता मैं, पूरा बम्पर फट गया, नया का नया बम्पर आया। एक साइड से ये हो रखा है, एक साइड से लाइट क्रैक हो रखी है, जैसे बोस टाइम का वो हो रखा है। तो चलो अंदर से दिखाता हूँ क्या है, अंदर से क्या सिस्टम। भाई बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है यार, सहन नहीं हो रही, कैसे क्या स्टार्ट करूँ, 1 मिनट रुकना, अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ। भाई अभी ना मैंने वो एसी ऑन कर दिया, बहुत गंदी तपत हो रखी है क्योंकि आज मैंने कवर नहीं लगा रखा गाड़ी के अंदर। तो आपको गाड़ी की सीट दिखाता हूँ क्योंकि मैंने अभी सीट कवर भी नहीं लगाया। मेरा प्लान पता क्या था, मैं ना क्रेटा ले रहा था, क्रेटा लेने के चक्कर में क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया कि मेरे नाम पे क्रेटा नहीं आ सकता क्योंकि मैं 25 साल का नहीं था, अभी भी मैं इस साल 24 साल का ही हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि 6-5 महीने बाद वापस करके क्रेटा ले लेंगे, तो इतना बजट तो बना नहीं, फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं अभी रख लेते। तो अभी इसके सीट्स कवर देखो क्या क्या इसमें डैमेज हो रखा है क्या नहीं, वैसे मैं इसको सेल करूंगा, मैं कुछ एसयूवी लूंगा, सेकंड हैंड लूं या कुछ भी लूं, जिससे कि पीछे जो पूरा पीछे की जो पूरी सीट होती है ना पूरा बेड बन जाए, फिर बाहर के दूर दूर के ब्लॉग्स लेके आएंगे, कितना अच्छा मजा आएगा। तो चलो आपको दिखा, ये देखो इसकी सीट देखो, इस पे पता नहीं क्या क्या गिर के क्या क्या हो गया है। यहाँ पे देखो छोटा सा, जब मेरी शादी थी ना तो मेरे पास वो तलवार थी, यहाँ पे वो लग गया था। और ये वाली सीट देखो, सारी सीट्स ना ऐसी ही हो रखी है गंदी सी, पीछे ना पीछे मैंने तौलिया लगा रखा है, वरना पीछे से देखो कितनी गंदी हो रखी है, A to Z सारी गंदी हो रखी है। और हाँ मैंने गुस्से में जो नुकसान कर दिया था ना शीशा, तो मैंने कवर करा लिया, आपको बाहर से दिखाता हूँ गुस्से में बाहर से क्या हुआ था। जो गुस्से में हो गया था ना तो वो चीज ठीक नहीं हो रही, वो लोग कह रहे हैं अगर तुम छत रिपेयर कराओगे ना तो उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी, इस पे पेंट वेंट होगा। तो आपको अभी बाहर से दिखाता हूँ, बाहर से इसकी मतलब क्या क्या डैमेज हो रखा है। देखो एक साइड से देखो, छत ना बैठी पड़ी है इस साइड से, यहाँ से इस साइड से बैठी पड़ी, हल्की सी उस साइड से हल्का सा यहाँ से बैठा हुआ है, तो ये ठीक होएगी, अच्छे खासे पैसे लगेंगे इस पे, तब जाके ठीक होएगी। अब जब ये ठीक होगी तभी मैंने सोचा कि थोड़े बहुत पैसे आ जाए, जब लोग लोग मेरे चलने लग जाएंगे पैसे आ जाएंगे तो मैं गाड़ी की सबसे पहले सीट कवर लगाऊंगा। जो गाड़ी की ये जो लाइने वगैरह है, ये लाइने वगैरह इनमें ना एम्बियंस लाइट वगैरह लगेगी, तो एम्बियंस लाइट लग जाएगी, यहाँ पे नीचे एम्बियंस लाइट लग जाएगी, इधर लग जाएगी, मतलब लाइट वगैरह लग जाएगी ना, तब मैं इस गाड़ी को अच्छा रखूंगा। फिलहाल तो प्रिया ने मना कर दिया कि ये गाड़ी सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये पहली गाड़ी है हमारी, पहली गाड़ी ना सेल करते हमने सोचा घर में दे देंगे, भाई वगैरह को दे देंगे, घर में भी एक गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास भी है, क्या सिचुएशन है। वैसे घर में मेरे ऑलरेडी 2 गाड़ी है, एक मेरे चाचा के पास है, एक मेरे पास, तो हमने सोचा एक मेरे पापा को भी दे देंगे, पापा के पास पहले 2 गाड़ियां थी, बट सिचुएशन ऐसी आती है कि उन्होंने अपनी दोनों गाड़ी बेच दी, 2 बाइक थी 2 गाड़ी थी। अब सोचे कि ये वाली गाड़ी हम भाई के हाथ में दें, घर में एक गाड़ी होनी चाहिए, कल को क्या पता कहां इमरजेंसी पड़ जाए, कहां जाना पड़ जाए, वैसे भी वो ज्यादा बस से ट्रैवल करता, तो हमने सोचा एक गाड़ी उसे दे देंगे, जब हमारा काम चलेगा तो हम दूसरी गाड़ी एसयूवी लेंगे अच्छी सी, या तो देखेंगे स्कॉर्पियो या कोई सेकंड हैंड एंडेवर, स्कॉर्पियो नहीं देखेंगे या फिर सेकंड हैंड एंडेवर देखेंगे। तो अभी मैं आज जाऊंगा गाड़ी के शोरूम पे जाऊंगा, मैं आज या कल का व्लॉग देगा आपको, गाड़ी के शोरूम पे जाऊंगा मैं, तो वहाँ पे इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू लगाएंगे, अगर वहाँ पे अच्छे प्राइस में ये देके अच्छे प्राइस में हमें मिल गई दूसरी स्विफ्ट का जो नया मॉडल आया, स्विफ्ट या स्विफ्ट डिजायर देखेंगे, उन गाड़ी का अच्छे से रिव्यू लेंगे अच्छे से, फिर वो गाड़ी अगर उन्होंने बोला कि तुम्हें 1-1.5 लाख रुपए ऊपर देने पड़ेंगे गाड़ी एक्सचेंज में, तो हम वो कर लेंगे, फिर हम वो नई गाड़ी ले लेंगे। तो स्विफ्ट का जो नया गदर लुक आया बहुत अच्छा आया है, तो अभी बाकी चलो कोई नहीं, अभी सीधा ऊपर चलते हैं, आपको बस ये दिखाना था कि अगर किसी को गाड़ी मेरी परचेज करनी हो तो बता देना, मैं गाड़ी सेल करने के लिए रेडी।